एक गांव में अनंत नाम का एक बिरयानी बेचने वाला आदमी रहता था। अनंत का बिरयानी उस गांव में बहुत मशहूर था। अनंत के बच्चे नहीं रहने के कारण वो अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लाकर पालने लगा। उस बच्चे का नाम चंदन रखा और उस बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा किया। चंदन अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई व्यापार करने का सोचकर पिता के पास आकर, पिताजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं डिस्टिंक्शन में पास हुआ हूँ, अमेरिका या कनाडा जाकर कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ, मेरे ज्यादातर दोस्त भी अमेरिका को जाने की सोच रहे हैं पिताजी। अमेरिका क्यों रे, हमारे देश में ही व्यापार कर सकते हो ना, तब हमारा देश भी तरक्की करेगा ना। यहाँ सौलते कहाँ है पिताजी, हम जाकर किसी को हमारे पास व्यापार करने का एक अच्छा आइडिया है कहकर बोले तो ये लोग हंसने लगे हैं पिताजी, इसीलिए अच्छे से अच्छे बुद्धिमान लोग अमेरिका में ही सेटल हो जा रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, मैं जो काम बोल रहा हूँ वो करने के बाद तुम जरूर अमेरिका जाओ, मगर उससे पहले तुम यहाँ पर एक व्यापार शुरू करो, अगर तुम यहाँ सफल हुए समझो तो तुम दुनिया में कहीं पर भी सफल हो सकते हो। चंदन तब अच्छे से सोचकर, यहाँ कौन सा व्यापार शुरू करो पिताजी। दूसरा कोई व्यापार क्यों रे, अपना बिरयानी सेंटर बिजनेस है ना, उसे पूरे देश में फैलाओ, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे पास ही आकर खाएंगे ना। चंदन ठीक है कहकर अनंत बिरयानी व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करके दिन रात अच्छे से सोचकर स्विगी जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों से बात करके अपने बिरयानी सेंटर को उनसे जोड़ा। बहुत कम दिनों में ही अनंत बिरयानी पॉइंट में बहुत सारी बिरयानी के ऑर्डर्स आने लगे और फूड डिलीवरी बॉयज लाइन में आकर खड़ा होने लगे। अनंत बिरयानी कम समय में ही बहुत मशहूर हुआ। लगभग सारे गांव में अनंत बिरयानी सेंटर के ब्रांचेस खुलने लगे। एक बार अनंत चंदन से, चंदन तूने तो चमत्कार कर दिया है रे, बहुत कम दिनों में ही हमारे बिरयानी को पूरे प्रदेश में मशहूर कर दिए हो, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा। एक बार चंदन अपनी प्रेमिका हेमा के पास आकर, हेमा हमारे प्यार के बारे में अपने पिताजी से बात की। मैंने उन्हें बताया डियर, तुम द ग्रेट अनंत बिरयानी सेंटर के मालिक के बेटे हो, कहकर उनसे कहा। वो 5 मिनट में आएंगे बोले थे, वो देखो मेरे पिताजी बातों में ही आ गए। हेलो अंकल, मेरा नाम चंदन है। हेलो चंदन, नाइस मीटिंग यू, कहकर हाथ मिलाया। अंकल आपको पता ही है ना, यू कुछ कहने वाला था। या मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया है, मगर मुझे एक शक है, कल के दिन अनंत बिरयानी का वारस तुम ही होगे, इसका गारंटी क्या है। आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, मैं उनका बेटा हूँ। ओ कम ऑन, सेंटिमेंट के बातें छोड़ो और बिजनेसमैन की तरह सोचो, अगर लीगली देखा जाए तो तुम अनंत नाग के सगे बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें पालकर बड़ा किया है, बस वो तुम्हें अपनी पूरी जायदाद देंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है ना। उसके बातें सुनकर चंदन एकदम से सोच में पड़ गया। हाँ सच्चे अंकल, तो पहले अपने बैकग्राउंड को मजबूत बनाओ, उसके बाद ही हम शादी के बारे में बात करेंगे, कहकर वहां से चला गया। उस रात चंदन अपने पिता से, पिताजी कह रहे हैं कि अमेरिका जाने के लिए मेरे नाम पे थोड़े जायदाद होनी चाहिए, इसीलिए आप थोड़ी जायदाद मेरे नाम पे लिख सकते हो क्या। थोड़े क्या रे, सब तुम्हारे नाम पर ही लिख लो, कहकर कागजात पे अपने सारे जायदाद उसके नाम पे लिख कर दे दिया। अगले दिन चंदन योगेश को मिलकर, अंकल अब मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, पूरी जायदाद मेरे नाम पर ही है, शादी कब है। अभी यहाँ पर ही, राइट नाउ। क्या अभी, वो नहीं मेरे पिताजी के बिना। ओ कम ऑन मैन, वो तुम्हारा सगा बाप तो नहीं है ना, और ऊपर से मुहूर्त का समय भी हो रहा है, कम ऑन, कहकर उन दोनों की शादी घर में ही करवा दिया। चंदन अपने पत्नी के साथ घर गया और उन्हें देखकर आनंद दंग रह गया। ये क्या रे, ऐसे अचानक से शादी किए, कम से कम एक बात तो कह देते। तुम्हें क्यों बताए, ये हमारी निजी मामला है। देखो माँ, मैं इसका पिता हूँ। तुम पिता कैसे बन गए हो, तुमने इन्हें पाला है क्या, या तुम इनके सगे पिता हो। ये मेरा सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ माँ, इसे पाल कर पढ़ा कर इतने बड़े अनंत बिरयानी सेंटर का मालिक बनाया हूँ ना।
बाप रे, ये अभी इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं तो कल के दिन और क्या क्या कहेंगे। पिताजी, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? रुला दिए ना बेचारी को। ओ जी, सच है जी, हम अलग हो जाएंगे, नहीं तो बहुत झगड़े होंगे जी। अगर चाहे तो आपके मुंह बोले पिताजी के मुंह पर थोड़े पैसे फेंक देंगे। उसके बातें सुनकर अनंत एकदम से दंग रह गया। अनंत को वहाँ क्या हो रहा है सब समझ में आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, किसी को भी मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अब से ये घर और व्यापार को आप दोनों ही देख लीजिए, कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे अनंत अपने घर से निकलने के बाद गांव के बाहर एक ठेली लगाकर बिरयानी तैयार करके बेचने लगा। व्यापार भी ठीक ठाक ही चलने लगा। आए थोड़े कस्टमर्स को अच्छे से बिरयानी बेचने लगा। बगल वाले स्कूल के गरीब बच्चों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने लगा। थोड़े दिनों के बाद अनंत बिरयानी धीरे धीरे वहां पर मशहूर होने लगी। एक दिन एक बड़े कार में एक अमीर आदमी आकर, अंकल मुझे एक प्लेट बिरयानी दीजिए। अनंत उस आदमी को बिरयानी दिया। वो अमीर आदमी बिरयानी खाकर, वाह अंकल, इतने सालों के बाद भी आपके बिरयानी का स्वाद नहीं बदला है, आप मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? मैं एक बिरयानी सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ, उसे आपको ही चलाना होगा, कहा और अपने बिरयानी बिजनेस लगाने के प्लान के बारे में बताया। अनंत अच्छे से सोचकर ठीक है कहा। वो अमीर आदमी उनका धन्यवाद करके, कल ही आकर काम के बारे में बात करूंगा, कहकर वहां से निकल गया। और दूसरी तरफ चंदन दुखी होकर हेमा से, दिन ब दिन हमारे बिरयानी के सेल्स गिरते जा रहे हैं, हमारे ग्राहक बिरयानी का स्वाद पहले के जैसे नहीं है कहकर होटल आना ही बंद कर दिए, लगभग हमारा व्यापार खत्म हुआ है। सोचो तुम्हारे पिताजी से थोड़े पैसे एडजस्ट करने के लिए पूछोगे क्या? क्यों जी, हमने शादी में दहेज नहीं दिया है कहकर अब ऐसे पैसे पूछ रहे हो क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ आया क्या? हाँ जी, मुझे सब समझ आ गया जी, मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूँगी, कहकर अपने मायके चली गई। चंदन अब क्या करना है कुछ समझ नहीं पाया और उदास होकर बैठ गया। तभी अचानक एक कार वहाँ पर आकर रुकी। वो आदमी चंदन के घर के अंदर आकर, हेलो चंदन, पहचाना क्या? चंदन उसे देखकर, रे भाई तुम ही हो क्या? क्या रे ऐसे आए? अभी अभी एक अच्छी डील हुई है रे, उस भगवान की कृपा से मैं फिर से बिरयानी बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। ऐसे वो दोनों बहुत देर तक बात किए। उसका दोस्त चंदन से, रे तुम्हारे पिताजी ही मेरे इंस्पिरेशन है रे, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ रे, एक बार उनसे मिलाओ ना। चंदन तब अपने किए गलतियों के बारे में उसे बताने लगा। चिंता ना करो रे, कम से कम तुम्हें अपने गलती का एहसास हुआ है ना, वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है रे? पता नहीं रे, मैंने कई जगह उन्हें ढूंढा है मगर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ठीक है रे, मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर मेरे पहचानत के एक अंकल के पास जाएंगे और अपने व्यापार के बारे में उनसे बात करेंगे, वो जरूर मान जाएंगे, कहकर वो दोनों मिलकर अनंत के पास गए। अनंत को देखते ही चंदन, पिताजी, कहकर उनके पैरों पर गिरकर, मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कीजिए पिताजी। उठो बेटा। चंदन के दोस्त को वो ही चंदन के पिता अनंत है कहकर समझ आ गया और चंदन और दोस्त जो हुआ वो सब अनंत को बताए और अपने बिरयानी सेंटर के व्यापार के बारे में बात की और अनंत उनके साथ काम करने मान गया। वो तीनों मिलकर फिर से अनंत बिरयानी पॉइंट बिजनेस शुरू किए और तब से अनंत और उसका बेटा एक ही घर में खुशी से जीने लगे। विनायक नगर में मुन्ना कन्ना नाम के दो मिनी व्हीकल्स तैयार करने वाले व्यापारी हुआ करते थे। कन्ना का व्यापार मुन्ना से बहुत अच्छा चलता था। एक दिन मुन्ना फॉरेन से आए अपने भाई विराट से, भाई मैं अब ये मिनी व्हीकल्स का व्यापार और नहीं चला सकता, इसे छोड़कर दूसरा कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए पड़ेगी।
वो क्यों भाई, व्यापार तो अच्छे से ही चल रहा है ना, हर साल मुनाफा भी हो रहा है। अब अचानक जमे हुए व्यापार को छोड़कर नया व्यापार शुरू करना रिस्क होगा, फिर निवेश के पैसे डालने पड़ेंगे, सब डालने के बाद फिर नुकसान हुआ तो आप क्या करोगे? फिर और क्या करूं रे, हमारे मुकाबले कन्ना नाम का एक नया व्यापारी मिनी व्हीकल शॉप लगाया हुआ है, वो तो बहुत अच्छे से चल रही है और हमारा लाभ कम होते ही जा रहा है। लोगों को कोई नया दुकान लगाए तो बस पुराने को भूल जाते हैं। वैसे नहीं है भाई, लोगों को हमेशा कुछ नया देखने का ही मन होता है। जो चल रहे बिजनेस को बंद करने के बदले ये सोचो कि इसी में क्या नया और अलग कर सकते हो, और अगर सोच नहीं पा रहे हो तो नए आइडियाज चाहिए, यू विज्ञापन दो तो लोग आकर आपको नए नए आइडियाज देंगे। ये सलाह को समझते हुए मुन्ना, सलाह तो बहुत अच्छी दिया भाई, अभी न्यूज़पेपर वालों के पास जाकर विज्ञापन देकर आता हूँ। क्या भाई, अभी आप कौन से काल में जी रहे हो? आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और आप, खैर आप कैसे विज्ञापन देना है वो मुझ पर छोड़ दो, आप बस जो अपने विज्ञापन को देखकर आइडियाज मिलेंगे उनके बारे में सोचो। कहकर विराज सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया, वो देखकर कोई नहीं आया, सिर्फ एक लड़की आई। उसे देखकर मुन्ना, बाप रे, विज्ञापन देखकर ज्यादा लोग आएंगे सोचे थे, लेकिन मुश्किल से एक आई है। ऐसे ही समझ आ गया मुझे कि मेरा व्यापार की तरक्की अब क्या ही होगी। सोचकर उसे अंदर बुलाते हुए, हाँ बोलो माँ, हमारे मिनी व्हीकल्स के बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो तुम्हारे हिसाब से क्या नया और अलग करना चाहिए? कुछ नहीं सर, हमारे घर में एक पुराना मैजिक डोसा पैन है, उसे आपको खरीदना होगा सर। क्यों माँ, ये बिजनेस निकाल कर दूसरे का व्यापार शुरू करूं? नहीं सर, आप पहले पूरी बात तो सुनिए, आप ऐसे बीच में बात करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा सर। ठीक है बोलो सर। वो मैजिकल डोसा पैन के ऊपर अलग अलग किस्म के मिनी डोसा वेकल्स बना सकते हो, उसके ऊपर हम बस थोड़ा घोल डाल दे तो बस आपको एक मिनी डोसा वेकल तैयार होकर मिलेगा। आजकल डोसा नहीं पसंद करने वाले तो कोई है ही नहीं ना सर, इसीलिए जो हम डोसा मिनी वेकल्स बनाएंगे वो बहुत सक्सेसफुल होगा सर, मेरी बात मानिए। माँ मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या, डोसा के पैन के ऊपर व्हीकल्स, मुझे तो नहीं समझ आया। खैर तुम जाओ, अगर मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो फोन करूँगा। कहकर वो लड़की के जाने के बाद अपने भाई को फोन मिलाकर मुन्ना, अरे तुम्हारे दिए विज्ञापन से सिर्फ एक लौती लड़की आई है, जो आई वो भी ऐसा आइडिया दी है कि क्या बताऊँ, डोसा पैन खरीदने बोली, उसे मिनी डोसा व्हीकल्स बनाएंगे बोल रही थी। भाई आइडिया बहुत अच्छा है भाई, अर्जेंट वो लड़की उस मैजिकल डोसा पैन को बेचने के पहले आप उस लड़की के पास जाकर उस मैजिकल डोसा पैन को खरीद कर मिनी डोसा व्हीकल्स तैयार करना शुरू करो, देर मत करो। तो मुन्ना उस लड़की को फोन मिलाया, वो लड़की उस डोसा पैन के साथ आई। वो सेटअप कर रही थी कि वहीं से गुजर रहे कन्ना ने वो देखा और, क्यों भाई मुन्ना, मुझसे मुकाबला नहीं कर सके और डोसा की रेडी लगा रहे हो, तुम जैसे बिजनेस चलाना नहीं आने वाले लोगों को वही सही है, कहते हुए चले गया। उसके जाते ही वो लड़की, सर आप इन लोगों की बातें सुनकर डल मत हो जाइए सर, ये मैजिकल डोसा पैन के किए मैजिक को देखिए, कहकर डोसा पैन पर घोल डालते ही टक से मिनी डोसा व्हीकल्स आने लगे, उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ते हुए मुन्ना, बाप रे वंडरफुल, ये तो सपना लग रहा है, ये मशीन सच में काम कर रही है, मिनी व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं। यूं खुश होने लगा। फिर वो मिनी डोसा व्हीकल्स को मार्केट में बेचा, कुछ दिनों में उनका सेल्स बहुत बढ़ गया और वो खूब पैसे कमाए। वो देखकर उसका भाई विराज, क्यों भाई, बिजनेस छोड़ने वाले थे ना, दूसरा व्यापार लगाने वाले थे ना? क्यों भाई, पहले ही अपने मिनी डोसा व्हीकल्स का फुल डिमांड है, मुझे इतना काफी है रे, कहकर खुशी से व्यापार करते हुए जीने लगा।